सुबह से 7 बजे से हम लोगों ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के माध्यम से अलग एक दल बनाया, TI का SDRF के साथ 4 लोगों के साथ एक अलग दल बनाया और तहसीलदार के साथ 4 होमगार्ड जवानों का एक अलग दल बनाया। इस तरह से पूरे क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड कर हम लोगों ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण करने पर ये पाया गया कि सबसे पहले तो लांजी क्षेत्र से लगा हुआ कटंग नाला साले टेकरी मार्ग वो बंद पाया गया, फिर भानेगांव मोहजरी जो पुलिया है वो बंद पाई गई, छिचेवाड़ा से घनसा, बहेला से चिखली, मनेरी से बहेला, गोरे से बिरनपुर, लाडसा, देवलगांव, घनसा से बोथली, कोचेवाही से टैमनी और लांजी आमगांव मार्ग, चिखला माली सावरी कला, इन गांव के जो इंटरकनेक्टेड दूसरे गांव के मार्ग हैं वो आपस में बंद, अत्यधिक बारिश होने के कारण बंद पाए गए। इसके अलावा ग्राम देवगल गांव में निर्माणाधीन पुल पर बाहर से रहने वाले व्यक्ति एक विनय पांडे पिता सुरेंद्र और दूसरा व्यक्ति है लक्ष्मण पिता चरण सिंह लिल्लारे, ये 2 लोग वहां पर सुपरवाइजर और चौकीदार का काम करते थे, ये भी वहां अधिक बाढ़ वर्षा होने के कारण वहां फंस गए थे। तो स्थानीय मछुआरों एवं SDRF की टीम के द्वारा 11 बजे इनको वहां से रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अभी सुरक्षित तरह से ग्राम परसोड़ी में जो बाघ नदी का पानी आ रहा था तो वहां के 4 परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से वहां से उनको शिफ्ट कर सोसाइटी में सुरक्षित उनको रखा गया है और वहां पर उनका सामान भी शिफ्ट कराया गया है। सर, बाढ़ से ऐसी कोई हालत है कि जिसमें किसी का मकान गिरा होगा या कोई? अभी तक तो पूरे क्षेत्र भ्रमण में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लगातार इस पर सतत निगरानी रखी जा रही है। सर, ग्राम बेलगांव में भी कुछ जानवर फंसे हैं ऐसा सुनने में आया? हाँ, अभी सूचना मिली है कि ग्राम बेलगांव में 6 बैल फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई है। अभी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड एवं उनका दल आया है, अभी उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं और रेस्क्यू करके उनको भी सुरक्षित निकाला जाए। बाढ़ से फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है? फसलों के संबंध में तो अभी प्राथमिक रूप से कुछ नहीं है क्योंकि पानी सब जगह भरा हुआ है, तो पानी ही दिख रहा है। अब जब ये पानी निकलेगा जब फसलों की स्थिति समझ में आएगी। जैसे आसपास में जो बांध है सर, जिनके पूरे क्षेत्र में हमारा जो है पुलिस विभाग का जो दल है साथ में SDRF तैनात है, जगह जगह पर हम संपर्क स्थापित करे हुए हैं लोकल जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और जनता के माध्यम से भी हम लोग लोकल सभी संपर्क स्थापित करे हुए हैं। कहीं भी जहां पर भी ऐसी स्थिति हमको प्रकाशमान आ रही है तो तुरंत हमारा दल को हम वहां पर भेज रहे हैं। लगातार पुलिस की वाहन जो है हमारे 4 थानों में जो है लगातार भ्रमण कर रहे हैं। अभी जो है बहेला से जो है वो महाराज जाने वाले रोड के ऊपर जो है रास्ते बंद हो गए हैं कुछ जगह लांजी में और किरनापुर के अंदर भी जो है रोड ब्लॉक्स देखे गए हैं, पानी भरा हुआ है, जिसके कारण अभी ऐसी स्थिति जो है निर्मित नहीं हुई है कि किसी गांव को या पूरी तरह से खाली किया जाए। कुछ मकानों में जहाँ पानी भर रहा है वहीं गाँव के जो है रेसिडेंशियल दूसरी जगह पर उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो है लगातार पुलिस दल और SDRF यहाँ तैनात है हमारे अनुभाग के अंदर और उनके पास पूरी एसेसरीज के साथ में वो लोगों की मदद के लिए तत्पर है। जैसा कि आज उन्होंने एक रेस्क्यू का ऑपरेशन भी किया है, साथ में कुछ लोगों को रिहेबिलिटेट भी किया है हम लोगों ने। लगातार वर्षा की स्थिति को देखते हुए हमारा दल लगातार भ्रमण कर रहा है और जैसे ही कोई स्थिति निर्मित होगी तो तत्काल हम उस पर रिस्पॉन्स। सर देखिए, सीमा क्षेत्र में वहाँ पे आपके चेक पॉइंट बने हुए हैं तो वहाँ पे क्या ड्यूटी तैनात है कि अंदर बताने लोगों के लिए कि आप यहाँ बंद है रास्ते? इसका जो है हर जगह पर प्रशासन के माध्यम से जो है हर गांव के कोटवारों को बता दिया गया है जहाँ पर जो है रोड्स ब्लॉक है वहाँ कोटवार और स्थानीय पुलिस बल के साथ जो लगा दिया गया है उनको, तो जहाँ लोगों को बताया जा रहा है कि भाई आप ये रास्ता क्रॉस ना करें, यहाँ पर जल भराव की स्थिति है, इसको छोड़कर कोई और अन्य रूट का प्रयोग। अभी मुख्य मार्ग जहाँ पे तैनाती हुई है? अभी मुख्य रोड जो है वो जैसे घनसा से महाराज जाने वाले रोड के ऊपर हमने लोग लगाए हुए हैं, साथ में जो मनेरी से बहेला जाने वाला रोड है जहाँ पुल में पानी भरा हुआ है वहाँ भी हमने लोग लगा दिए, परसोड़ी ग्राम के अंदर भी, साथ में आमगांव तरफ जाने वाले लोगों को भी हमारे द्वारा बताया जा रहा है कि अभी कुछ समय पहले तक आमगांव में भी पानी की स्थिति थी जिससे आमगांव और लांजी के बीच का आवागमन जो है बंद हुआ था। इस वजह से हम वहां पर भी लोगों को अवगत करा रहे हैं हमारे क्षेत्र में कि आमगांव अगर आपको जाना है तो कोई दूसरे रूट का यूज़ करें, ये आमगांव वाला रूट फिलहाल के लिए अभी बंद है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।